Hi guys, welcome to my channel. So this is my first vlog and after so long मैंने decide किया finally YouTube channel बनाने का and to start uploading videos. तो बहुत पहले almost 10 साल पहले मैं videos बनाता था because मैं एक राइडिंग क्लब के साथ था, गंस मोटरसाइकिलिंग, अभी भी हूँ. तो हम लोग राइड की videos बनाते थे but कभी vlogging नहीं की. So this is the first time मैं vlog कर रहा हूँ. एंड आई जस्ट होप कि आप लोगों को कंटेंट पसंद आए. सो बेसिकली मेरी वीडियोज़ में आपको राइडिंग वीडियोज़ मिलेंगी एंड ट्रैवलिंग के वीडियोज़ मिलेंगे. आई एम अ बिग फूडी तो खाना तो ऑब्वियसली मिलेगा एंड तो मज़ा आने वाला है. एंड आई रियली होप कि आप मेरा ये फर्स्ट व्लॉग लाइक करोगे. एंड नहीं पसंद आए तो प्लीज़ बताना, तो क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है, बहुत कुछ सीखना है. एडिटिंग, म्यूज़िक, पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं, फ्रेम्स क्या होते हैं, मैं तो बस सुना ही है. तो देखते हैं क्या होता है, बट स्टार्ट करते हैं यहीं से. थैंक यू. तो गाइज, ये है हमारा व्लॉगिंग सेटअप, मोटो व्लॉगिंग सेटअप सॉरी. सो ये है मेरा सर्च का हेलमेट जिसमें माउंट लगा हुआ है. आगे ग्रिप है जहाँ पर मोबाइल होल्डर लगा हुआ है जिसके अंदर मोबाइल लगाएंगे. ये एक्सटर्नल माइक है जिससे कि हम बातें करेंगे आपसे, और गोरिल्ला पॉड ताकि हम आपसे जितनी भी बातें करें वो सारी रिकॉर्ड हो पाए. तो मज़ा आने वाला है गाइस, चलते हैं बाहर. बाइक से जाएंगे या स्कूटी से जाएंगे वो पता नहीं, तो लेके चलते हैं आपको, दिल्ली घुमाते हैं हमारी. राइट, सो फाइनली हैव डिसाइडेड कि आज हम जाएंगे अपनी एंटॉक लेके और घूमेंगे दिल्ली. देखते हैं दिल्ली में रात में दिल्ली कैसी लगती है और दिखाते हैं आपको भी. तो मिलते हैं सीधा राइट पे. अभी हमें रास्ते में एक फ्रेंड के पास रुकना है जिसको पिकअप करना है. तो थोड़ी सी बैड न्यूज़, यहाँ पर हमारा फ्रेंड नहीं जाने वाला है हमारे साथ, तो हमें खुद ही आगे जाना है और घूमते हैं. बट आई जस्ट रियलाइज कि फ्यूल तो है ही नहीं, स्कूटी है रिज़र्व में, तो बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है. बग़ैर फ्यूल के तो मज़ा ही नहीं आएगा, और अगर फ्यूल बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, गाड़ी बंद हो गई, तो फिर तो बड़ी मुश्किल हो जानी है यार. धक्का लगाना पड़ेगा और फिर तो बड़ी मेहनत लगने वाली है. तो चलते हैं जल्दी से फटाफट पहले पेट्रोल पंप और डलवाते हैं थोड़ा सा फ्यूल, और फ्यूल डलवा के फिर आगे का सोचते हैं. ओके, तो यहाँ पर कोई भैया हैं जिनकी बाइक ख़राब हो गई, इनसे पूछ लेते हैं भैया को क्या प्रॉब्लम हो गई है. तो भैया सेज इनकी बाइक हो गई है पंचर. अब पंचर का तो सोल्यूशन नहीं है मेरे पास, मतलब अगर फ्यूल ख़त्म होता तो हम भैया को फ्यूल दे सकते थे, पैर लगा सकते थे बाइक पे, बट भैया भी बोल रहे हैं कि अब क्या ही कर सकते हैं. वैसे सामने रेड लाइट पे पेट्रोल पम्प है, तो वहाँ पर इनको कोई ना कोई मिल ही जाएगा पंचर लगाने वाला, और इनका ये इशू सॉर्ट हो जाएगा. तो ठीक है, अब यहाँ पर अगेन यू कैन सी पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है, बट लोग नहीं मानते, लोग नहीं रुकते. विदाउट हेलमेट्स भी कुछ लोग हैं, और तो पता नहीं क्यों लोग रिस्क लेते हैं इतना, नहीं लेना चाहिए यार. थोड़ा सा अगर आप आराम से चलाओगे तो अपना भी आप दूसरों के लिए भी रिस्क नहीं हो, और ऑब्वियसली अपने आप को भी आप सीकली अपने कहते हैं ना सेफली अपने घर पहुँचा सकते हो, बट लोग नहीं मानते. और यहाँ अपना फ्यूल ख़त्म होने वाला है यार, जल्दी से ग्रीन हो जाए और हम जल्दी से अपना पंप पर पहुँच जाएँ ताकि हमें फ्यूल मिल जाए. सो फाइनली यहाँ पर हमें फ्यूल मिल गया. फ्यूल डलवाने के बाद चलते हैं आगे की तरफ,
और यहाँ पर हमें ग्रीन लाइट मिल गई, थैंक गॉड, हम जा सकते हैं आगे। और हम सीधा जा रहे हैं मथुरा रोड। टाइम हो चुका है 10:40 के अराउंड, और अब आने वाला है आश्रम का फ्लाईओवर जो कि गवर्नमेंट ने अभी खोला है। गाइस बहुत ट्रैफिक रहता था यहाँ पर, एंड जब से फ्लाईओवर बना है काफ़ी हद तक ट्रैफिक कंट्रोल है। तो हम आ चुके हैं अंडरपास। वाह, कितनी अच्छी अमेजिंग तरीके से यहाँ पर आर्ट बनी हुई है। फाइनली ब्रिज के अंदर से हम जा रहे हैं और हम आ गए हैं आश्रम की तरफ। नाउ ये निज़ामुद्दीन का फ्लाईओवर आने वाला है। निज़ामुद्दीन का फ्लाईओवर यानी यहाँ पर एक बहुत अमेजिंग कैफ़े भी है विदाउट हेलमेट, नहीं मानते लोग। तो राइट जाएंगे आगे पुल के एंड पे से तो निज़ामुद्दीन आ जाएगा, और निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन आएगा। वहाँ पर कमसम भी है जहाँ पर लोग चिल करने जाते हैं। ऑब्वियसली अमेजिंग प्लेस है, 24/7 खुलता है, तो आप कभी भी कुछ भी जाके खा सकते हो। चलो आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ भी हमें मिल गया है ग्रीन पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, वेट करना है ग्रीन होने का आगे पे। तो यहाँ पर रेड लाइट पे हमें भैया दिख रहे हैं एक अपनी स्कूटी को ले जाते हुए। तो एक बार चलते हैं, इनकी हेल्प कर देते हैं, ग्रीन हो गई। ओके भैया से पूछते हैं क्या इशू है। ओके ओके ओके, टिक टिक टिक, हॉर्न बजाया मैंने। क्या हो भैया, क्या हो गया ना? भैया सेज इनकी स्कूटी में हो गया फ्यूल ख़त्म। तो हमने बोला ओके, हम पैर लगा देते हैं। ठीक है भैया, हेलमेट कहाँ है आपका? अरे यार विदाउट हेलमेट क्यों चलते हो यार। खैर कोई नहीं, भैया की थोड़ी हेल्प कर देते हैं। हेल्प करने में ज़्यादा दूर नहीं है बट फ्यूल पंप, अभी थोड़ी देर पहले हमारी गाड़ी में भी फ्यूल नहीं था यार, और अगर गलती से हमारी गाड़ी का फ्यूल ख़त्म हो गया होता तो शायद हमें भी कोई हेल्प कर रहा था। तो मैं थोड़ी देर पहले यही बोल रहा था, दिल्ली में एक अच्छी बात है, इनफैक्ट अगर किसी का फ्यूल ख़त्म हो जाता तो एटलीस्ट लोग रुक जाते हैं, हेल्प कर देते हैं। रेड लाइट है, रुकना पड़ेगा। भैया भैया, अरे भैया भैया तो रुकने को तैयार ही नहीं है। लेकिन यार उनकी प्रॉब्लम भी है, उनकी गाड़ी में फ्यूल नहीं है, तो उनको लग रहा होगा शायद वो क्रॉस कर जाएं, बट सेफ़ नहीं है, नहीं करना चाहिए यार। और भैया वैसे ही विदाउट हेलमेट हैं, ग्रीन होने का वेट करना पड़ेगा। यार यहाँ लोग रुक क्यों नहीं रहे हैं, मतलब कहीं भी, मतलब कैसे भी लोग मानने को तैयार नहीं है। रेड लाइट का मतलब समझ में नहीं आता लोगों के, सब निकलने को तैयार है, सबको जल्दी है यार। विनोद ये क्या चल रहा है विनोद? पंचायत सीरीज़ बाय द वे अमेजिंग थी यार, बहुत मज़ा आया। एंड स्पेशली जीतू भैया का काम तो खैर लाजवाब है यार, जीतू भैया तो फिर जीतू भैया है ना। तो भैया मैं आ रहा हूँ, डोंट वरी। भैया पीछे पलट के देख रहे हैं कहीं मुझे बीच रास्ते में छोड़ के तो नहीं भाग गया लड़का। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यार, लोग पता नहीं क्यों हेलमेट्स यूज़ नहीं करते, यूज़ करना चाहिए यार। और आपके पीछे कोई आपकी फीमेल फ्रेंड वाइफ सिस्टर कोई भी है, उसके लिए भी हेलमेट लो यार, 500-600 रुपये का आता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इतनी महंगी चीज़ नहीं है। ऐसे ही मार्क हेलमेट लो और सेफली चलो यार, इंपॉर्टेंट है। चलो तो दोबारा से भैया को पुश करते हैं, जल्दी से भैया को फ्यूल पंप पहुँचा देते हैं। लगीली हमारे पास फ्यूल है अब, बट प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास कोई एक्स्ट्रा पाइप नहीं है जिसके थ्रू मैं फ्यूल निकाल सकता या बॉटल में डाल के भैया को दे सकता था। तो सॉल्यूशन है कि भैया को ऐसे ही पुश करते रहेंगे, थोड़ा सा आगे बस जाके लेफ्ट हैंड साइड पे है फ्यूल पंप, तो बस भैया को वहाँ तक हम छोड़ेंगे। यार ये देखो क्या मस्त लग रहा है मॉन्यूमेंट, रात के टाइम ना अलग ही लाइटिंग इफेक्ट के साथ अलग ही लगता है यार, वाओ। तो अभी बस थोड़ी सी दूर फ्यूल पंप है और निज़ामुद्दीन भी आने वाला है, ज़्यादा लंबा नहीं जाएंगे आज, रात भी हो चुकी है और घर से फ़ोन आ चुका है ब्रेड लेके जानी है यार, और अगर ब्रेड लेके नहीं गया ना तो मम्मा मेरी ब्रेड बना देंगी, तो ब्रेड इम्पोर्टेंट है। तो बस यहाँ पर ग्रीन है थैंक गॉड, और लेफ्ट हैंड साइड पे फ्यूल पंप आने वाला है। भैया को बस छोड़ते हैं और फिर हम आगे निकलते हैं यार। फ्यूल पंप फ्यूल पंप फ्यूल पंप, ओह यस। तो हमने भैया को पहुँचा दिया, सलाम नमस्ते भैया, टेक केयर, फिर मिलते हैं कभी। और आप भी किसी ना किसी की हेल्प करो भैया, आपको कोई मिले ऐसा तो
अगर कोई इमरजेंसी में है, लोग इमरजेंसी में निकल आते हैं, लोग नहीं देखते उस टाइम पे फ्यूल है गाड़ी में या नहीं, एंड बीच रास्ते में फ्यूल ख़त्म हो जाता है। तो कभी किसी को अगर आप हेल्प कर पाओ तो प्लीज़ करो, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। कोई दुआ ही देगा आपको, और दुआ ही काम आ रही है, पॉइंट ही है। तो लेफ्ट में निज़ामुद्दीन आ गया, और आगे आ रहा है एक और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, आई गेस इसका नाम बुर्ज है कुछ करके, आगे चल के देखते हैं। और आपको मैं एक बार ऑटो वाले भैया, हेलो हेलो, राधे राधे, थोड़ा सा साइड लगा लो प्लीज़, ऐसे मत करो एकदम से यार। तो मैं अभी यहाँ पर रुक के आपको मॉन्यूमेंट दिखाऊंगा, अभी थोड़ा सा देखते हैं, ट्रैफिक तो नहीं है, पीछे से गाड़ियाँ आ रही हैं, थोड़ा साइड लगाते हैं, थोड़ा सा ट्रैफिक देख के और मैं आपको एक व्यू दिखाता हूँ। यार रात के टाइम ना अपने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स इतने अमेजिंग लगते हैं ना, लाइटिंग के साथ ना अलग ही फील आता है। क्या सही लग रहा है यार, वाओ। चलो अब यहाँ से आगे चलते हैं, इंडिया गेट तक चलते हैं गाइस, वहाँ के बाद देखते हैं। सो आगे चलते हैं गाइस इंडिया गेट की तरफ, अगेन एक और पुल और हम सीधा जा रहे हैं। तो गाइस ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग था, राइट, एंड माइक की प्रॉब्लम थी ऑब्वियसली, मैंने हेलमेट के अंदर माइक लगाया था बट आवाज़ नहीं आई, तो मुझे अलग से वॉइस ओवर देना पड़ा। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मुझे मेरी सिस्टर ने गाइड किया था कि वीडियोस कैसे बनाने हैं और रील्स कैसे बनानी है, तो फ्रेम का इशू है ऑब्वियसली, कि मैंने रील्स वाला जो फ्रेम होता है वो यूज़ किया वीडियो के लिए, तो वीडियो अलग सी बन गई है। तो बट ठीक है यार, फर्स्ट टाइम है एंड ऑब्वियसली आप कुछ नए सीख रहे हो, एंड तो यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट है, एंड इज लाइक आई एम ट्राइंग टू मेक मोर वीडियोज, एंड देखते हैं मैं जल्दी जल्दी अपलोड करूँगा, एंड आई जस्ट होप कि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगें। तो ये आ गया है अपना सर्कल इंडिया गेट वाला, इंडिया गेट अमेजिंग है यार, यहाँ पर अलग ही मज़ा आता है, फैमिली के साथ आओ, टाइम स्पेंड करो, और बहुत सारे लोग पिकनिक बनाने आते हैं, चिल्ड्रन पार्क भी है, लोग चिल्ड्रन पार्क आते हैं और इन्जॉय करते हैं अपनी फैमिली के साथ, तो यहाँ तो मज़ा ही अलग आता है। इंडिया गेट, इंडिया गेट, इंडिया गेट, यार देख रहे हो कितना अमेजिंग लग रहा है, वाह। रुक नहीं सकते, बहुत ट्रैफिक है और पार्किंग की भी जगह नहीं है, और घर पर ब्रेड लेके जानी है क्योंकि ब्रेड इंपॉर्टेंट है। तो गाइज यही सब था मेरे बारे में, एंड दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो, आई जस्ट होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, और प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, और कमेंट्स तो ऑब्वियसली मुझे चाहिए क्योंकि बहुत कुछ सीखने को है, बहुत सारी चीज़ें अभी मुझे बहुत सारी चीज़ें मेरी बहन ने गाइड करी हैं कि आपने ये गलत किया, ऐसे किया, और आपको ये इम्प्रूव करना है, ऐसे इम्प्रूव करना है, तो ठीक है, चेंजेस करेंगे एंड सीखेंगे ऑब्वियसली, यूट्यूब को भी और बनाएंगे यूट्यूब पे वीडियोस। आई जस्ट होप आपको जितना भी वीडियो, ये फर्स्ट वीडियो है मेरा, आपको अमेजिंग लगा हो, अच्छा लगा हो, और जहाँ जहाँ आपको लगता है कि मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है ऑब्वियसली प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा। तो मिलते हैं गाइस फिर किसी ऐसे ही व्लॉग में, जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, और अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि एक माँ बाप की दुआएं हैं ज़िंदगी में जो काम आती हैं, और आप कहीं भी जो भी सक्सेस है लाइफ में वो सिर्फ पेरेंट्स की वजह से मिलती है। तो बस अच्छे काम करते रहो, लोगों से मिलते रहो, लोगों को खुश करते रहो, और क्या चाहिए लाइफ में। टेक केयर, अपना ध्यान रखो, बाय बाय।